हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मूंग दाल की सब्जी। इसे मूंग मटकी भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसे अलग अलग चीज बोलते हैं। तो मैंने ये बनाई है मूंग दाल की ये, तो आप इसे बना के देखिएगा। मैंने फुल वीडियो बनाई है और जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो मुझे जरूर बताएं कि मैंने इसमें क्या गलती की है या क्या कमी रखी है। और ये बना के आप पराठे और राइस दोनों के साथ ट्राई कर सकते हैं, या इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, तो इसे बना के देखिएगा। और अगर ये आपको टेस्टी लगे तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर कि ये आपको कैसी लगी। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हरे मूंग की सब्जी। इसे बनाना बहुत इजी है, तो मैंने इसे मॉर्निंग में भिजा दिए थे। अब हमें सिंपल सा कढ़ाई में कर लेना है तेल गर्म। ऐड कर देंगे इसमें तेल, आपको जिसमें तेल में सब्जी बनानी है आप वो ऐड करें। ऐड कर देंगे थोड़ा सा जीरा एंड थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें हींग। तो हींग से जो है ना वो सब्जी का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो ये हम थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें हींग। अब हम सबसे फर्स्ट इसमें ऐड कर देंगे हमारी कटी हुई हरी मिर्च, देन ऐड कर देंगे कटे हुए प्याज। अब पहले इन दोनों को हम कर लेंगे लाइट फ्राई, और हम इसमें थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर रहे हैं। अब इन चीजों को, तीनों चीजों को पहले हमें कर लेना है थोड़ा सा फ्राई, यानी कि ब्राउन तक हमें इसे फ्राई करना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारे प्याज हो गए हैं लाइट ब्राउन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे मसाले। तो मसालों में मैंने लिया है गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर एंड नमक। अब इसमें पहले हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा वाटर। इन सारी चीजों को हम अच्छे से पानी के साथ पहले कर लेंगे मिक्स, क्योंकि मिक्स करके, अगर पानी मिक्स करके हम मसाले डालते हैं ना, तो हमारे मसाले जलते नहीं है और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छे से आ जाता है। इसलिए ये सारे मसाले हम इनमें डालेंगे और प्याज के साथ इन्हें हम मिक्स करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब हमारा मसाला भुना जाए, मैंने इसमें थोड़ा वाटर ऐड किया है ताकि हमारे मसाले प्याज के साथ अच्छे से पक जाए। अब हम इसमें संग संग ऐड कर देंगे कटे हुए टमाटर। अब हम वेट करेंगे हमारी ग्रेवी के पकने का। टमाटर थोड़े से अच्छे से गल जाए उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे भिजाए हुए मूंग। और लास्ट में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो हमें, जब तक हम इसमें नहीं डालेंगे तब तक इसका टेस्ट कंप्लीट नहीं होने वाला। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मसाला प्याज और टमाटर के साथ हो गए हैं अच्छे से मिक्स। हमारे मसालों ने ऑयल भी छोड़ दिया है, तो इसका मतलब हमारे मसाले अच्छे से भुने गए हैं। अब हमें इसमें ऐड कर देने हैं हमारे भिगोए हुए मूंग, और पहले मसालों के साथ में मूंग को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर थोड़ा सा इसमें करना है हमें पानी ऐड, और फिर इसे पकने के लिए कम से कम 10 मिनट तक ढक देना है। अब हमें इसमें ऐड कर देना है पानी और इसे कम से कम 10 मिनट तक उबलने के लिए छोड़ देना है। हमें इसे इतना ही उबालना है जिससे हमारे मूंग उबल जाए। अगर ज्यादा उबालेंगे तो फिर ये दाल बन जाएगी, इसलिए हमें इसे थोड़ा सा उबालना है। 5 से 10 मिनट तक इसे बॉयल होने के लिए छोड़ दें, इसे ना ढक दे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे चने की सब्जी बनके हो गई है तैयार, मूंग दाल की। अब इसे देखते हैं ये सीज गई है क्या नहीं। तो हम देख पा रहे हैं हमारे मूंग अच्छे से सीज गए हैं, तो यानी कि हमारे मूंग की सब्जी बनके हो गई है तैयार। इसे एंजॉय कर सकते हैं आप पराठे के साथ में, राइस के साथ में, किसी के साथ में भी आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, बना के जरूर देखिएगा और बताइएगा मुझे जरूर कि आपको कैसी लगी। सॉरी, इसमें लेमन डालना है, वो मैं अभी डालती हूँ। डाल देंगे नींबू का जूस, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये थोड़ी सब्जी खट्टी खट्टी नहीं लगेगी तब तक खाने में इसका मजा नहीं आएगा। इसलिए इसमें हमने ऐड करना है नींबू का
चूज़।